हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू क्लास सेवेंथ लेसन टू द एटमॉस्फेयर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था विंड्स, टाइप ऑफ विंड देखे थे। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोकल विंड। विंड्स दैट अराइज ड्यू टू अ लोकल और रीजनल चेंजेस इन द टेम्परेचर और प्रेशर आर नोन एज अ लोकल विंड्स। दे अफेक्ट स्मॉल एरियाज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सम लोकल विंड लाइक लैंड एंड सी ब्रिजेस एंड मानसून आर पीरियोडिक फॉर अ फिक्स पीरियड विच मे बी अ डे और अ सीजन। दे ब्लो इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन बट अनलाइक प्रेवलिंग विंड दे डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन सेम डायरेक्शन। हम देखेंगे लोकल विंड क्या है। लोकल विंड ऐसी जैसे किसी जगह की ऐसी बनावट हो, ऐसा टेम्परेचर हो, ऐसा क्या हो, एयर प्रेशर ऐसा हो जो क्या हो, एक जैसा हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो एयर ब्लो करती है, जो विंड ब्लो करती है, उसके अपोजिट पे जो विंड ब्लो करती है उसे हम कहेंगे लोकल विंड, ठीक है। और जो लोकल विंड है वो जो स्मॉल एरिया है उस पर इफेक्ट डालती है और एक लिमिटेड एरिया में ये ब्लो होती है, ठीक है। और किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी भी एरिया पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोकल विंड है जैसे कि लैंड, सी ब्रिज और मानसून। ये क्या है, ये सब पीरियोडिक है, ठीक है। ये विंड मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। और जो ये लोकल विंड्स हैं ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में नहीं चलती है, ये क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंड एंड सी ब्रिजेस। वाटर टेक्स लॉन्गर देन लैंड टू गेट हीटेड एंड टू कूल डाउन ड्यूरिंग द डे। द लैंड देयरफॉर बिकम हॉटर देन द सी। द एयर अबव द लैंड बिकम हॉट एंड राइज लीडिंग टू लो प्रेशर ओवर द लैंड सिंस द एयर अबव द सी इज कूलर। द प्रेशर ओवर द सी इज हायर सो द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड द लैंड ड्यूरिंग द डे। दिस ब्रिज कॉल्ड सी ब्रिज ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द डे। देखिए हम सबसे पहले समझेंगे कि सी ब्रिज क्या है, ठीक है। जो वाटर है डे टाइम में क्या होता है कि जो वाटर है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और हाई प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, ये डे में। और जो ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये वाटर जो है वो कूल होता जाता है और सिंक होके फिर नीचे आता है, ठीक है। और डे टाइम में जो है उसमें क्या होता है, जो लैंड है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और जो लैंड है वो वार्म हो जाता है और फिर क्या होता है उसमें लो प्रेशर क्रिएट करता है और जो उसका जो एयर है वो क्या होता है गर्म हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसका वो वार्म हो जाता है और क्या होता है ऊपर की तरफ उठने लगता है, ठीक है। ये हमारा सी ब्रिज है। अ नाइट द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन द सी। द एयर ओवर द सी इज दस वार्मर एंड लाइटर। द वार्म एयर ओवर द सी राइजेस सो द प्रेशर ओवर द सी इज लोअर देन द प्रेशर ओवर द लैंड। एयर फ्रॉम द लैंड देयर फॉर ब्लो आउट टूवर्ड द सी। दिस इज नोन एज लैंड ब्रिज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा लैंड ब्रिज क्या है, ठीक है। इट मीन्स देखिए जब नाइट में क्या होता है, जो लैंड है वो क्या करता है हीट को रिड्यूस करता है, तो क्या होता है लैंड कूल होता है और जो प्रेशर है वो क्या होगा उस टाइम पे, देखिए हाई होगा प्रेशर और जब प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा ऊपर की तरफ उठेगा और फिर जब ऊपर जाएगा जो एयर है वो क्या होगा फिर कूल होगा और फिर कूल होके क्या होगा सिंक होके फिर नीचे आएगा, ठीक है। और फिर उसी टाइम पे जो सी है उसमें क्या होगा जो हीट वाटर जो एब्जॉर्ब करता है उसको क्या करेगा
जो नीचे जाएगा तो वो वार्म रखेगा और फिर वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और जब लो प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, वो राइज हो जाएगा, मीन्स हल्का होके क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, और जो एयर है वो किधर, जो सी है उसकी तरफ ब्लो होगा, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द मानसून। द मानसून इज अ सीजनल विंड, इट ब्लो इन अ फिक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर सीजन, बट रिवर्स इट इज डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। मानसून आर सी ब्रिज ऑन अ लार्ज स्केल, दे आर मेनली एसोसिएटेड विद द साउथर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। ड्यूरिंग समर द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया गेट एक्सट्रीमली हीटेड एंड अ लो प्रेशर जोन डेवलप्स इन अ इन दिस रीजन। मॉइस्ट विंड फ्रॉम द हाई प्रेशर जोन ओवर द इंडियन ओशियन ब्लो टूवर्ड्स दिस जोन एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन समर। इन विंटर द टेम्परेचर्स फॉल शार्पली एंड अ हाई प्रेशर जोन डेवलप्स ओवर द इंटीरियर ऑफ एशिया। इन सी रिमेन वार्मर देन द लैंड सो द प्रेशर ओवर इट्स मच लोअर। जो मानसून है वो क्या है, सीजनल विंड है, और ये क्या है, फिक्स्ड होता है किसी एक डायरेक्शन में ब्लो होता है, ठीक है, बट क्या होता है, ये तब फिक्स होता है जब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर सीजन में ही क्या होता है, एक डायरेक्शन में फिक्स होता है ना, और जब सीजन चेंज होता है तो फिर क्या होता है, ये फिर रिवर्सिबल हो जाता है। जिस तरीके से हमने देखा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डे और नाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है ना। और जो ये इस तरीके के जो मानसून है वो कहाँ पर मेनली कहाँ पर होते हैं, साउथर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। और फिर समर सीजन में क्या होता है कि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, और फिर उस रीजन में क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है। और जो मॉइस्ट विंड है वो क्या करता है, इंडियन ओशियन की तरफ ब्लो होता है तो उस पर क्या करता है, हाई प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। हाई प्रेशर क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब समर में क्या होता है, रेनफॉल स्टार्ट होता है, और इस तरीके से क्या होता है, जो सी होता है वो ज़्यादा वार्म होता है लैंड से, और इस तरीके से क्या होता है, जो ये विंड है वो जो सी है उसकी तरफ ब्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइक्लोनिक विंड। साइक्लोनिक विंड्स आर इरेगुलर विंड्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, दे आर कॉज्ड बाय प्रेशर सिस्टम नोन एज साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक। जो साइक्लोनिक विंड होती है वो क्या करती है, वो इरेगुलर विंड्स होती हैं, ठीक है, और वो मतलब किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं, और प्रेशर कौन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो एंटी साइक्लोनिक विंड होती है वो क्या होती है, जैसे कि उनमें बहुत जो प्रेशर है बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है, और क्या होता है, वो क्लॉक वाइज चलती है, ठीक है, इन पे भी ये भी क्या करता है, प्रेशर इन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। इन अ साइक्लोन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो इन अ स्पिरल टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया एट द सेंटर। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड ब्लो इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, व्हाइल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साइक्लोन ड्रिंग हैवी रेन एंड कॉज डैमेज टू प्लेसेस ओवर विथ दे पास। जो साइक्लोन होती है क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है, और वो क्या करती है, उसका जो वो हाई प्रेशर से बिल्कुल लो प्रेशर की ओर जाती है, और वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इट्स लाइक वो स्ट्रॉन्ग का रूप ले लेती हैं। और जब हम देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ब्लो होती है तो क्या होता है, साइक्लोन की तरह आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब ये एयर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ब्लो होती है तो ये
जो साइक्लोन है वो क्या करती हैं, हैवी रेन लाती हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं उस प्लेस पे जहाँ पे ये साइक्लोन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुपर साइक्लोन 1999। द ईस्टर्न कोस्ट एरिया कोस्ट ऑफ इंडियन इज वन ऑफ द मोस्ट साइक्लोन हिट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन्स दैट डेवलप ओवर द बे ऑफ बंगाल जनरली स्ट्रिक दिस रीजन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई अक्टूबर एंड नवंबर। ऑन सच साइक्लोन नेम द सुपर साइक्लोन हिट द स्टेट ऑफ ओडिशा ऑन 28 अक्टूबर 1999। ड्यूरिंग द सुपर साइक्लोन विंड स्पीड रीच्ड अप टू 300 किलोमीटर पर आवर। दीज विंड पस्ट अ हाई वॉल ऑफ वाटर ऑन टू द शोर फ्लूडिंग लार्ज एरिया लॉन्ग द कोस्ट। सुपर साइक्लोन जो है वो 1999 में इंडिया के ईस्टर्न पार्ट कोस्ट में आया था, ठीक है। इसमें क्या है कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये बे ऑफ बंगाल से जनरली डेवलप हुआ था और ये इस रीजन में मंथ मई अक्टूबर एंड नवंबर में आया था। और इसने सबसे ज़्यादा जो तबाही मचाई थी वो कहाँ मचाई थी, ओडिशा में 28 अक्टूबर 1999 में, ठीक है। और जब ये साइक्लोन आया था सुपर साइक्लोन तो इसमें क्या हुआ था, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में था, ये इसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो थे वाल गिर गए और मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता, बर्बादी हुई थी और जो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया वगैरह थे वो क्या हो गए थे, बह गए थे, ठीक है। द रीजन हिट बाय द साइक्लोन वॉज इनहैबिटेड मोस्टली बाई पुअर फिशरमैन हु लिव इन अ हट्स। और मतलब बहुत बड़े जगह पे क्या हुआ था, बहुत तबाही आ गई थी और जो फिशरमैन हुआ करते थे, जो गरीब लोग होते थे, वो उनका जो हट वगैरह थे वो क्या हो गया था, सब बर्बाद हो गया था। और इसमें था बहुत लार्ज अमाउंट, मतलब नंबर्स में इट मीन्स 10,000 पीपल और जो एनिमल वगैरह थे वो क्या हो गए थे, वो किल हो गए थे, ठीक है। और 15 मिलियन जो लोग थे वो क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। मतलब कि जो ये सुपर साइक्लोन स्टॉर्म था इसने बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे डिस्ट्रॉय किया था। और इसमें साइक्लोन आने से पहले क्या हुआ था कि सभी को ब्रॉडकास्ट के थ्रू क्या किया गया था, सबको वार्निंग पहले से ही दे दी गई थी, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रॉपर स्टेप्स जो थे वो नहीं अपनाए, ठीक है। पहले से उन्होंने क्या किया, कोई प्रिपेयर नहीं किया था अपने आप को। और इस तरीके से क्या होता है, जो ओडिशा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हुई थी सारी चीज़ें। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहाँ ओवर होता है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।